नमस्कार, जय माता की। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको एक ऐसे तथ्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका उद्देश्य है किशन देव जी को तेल क्यों चढ़ाते हैं और इस तेल के चढ़ाने से क्या लाभ प्राप्त होता है, इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को शनिदेव की मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव जी पूर्ण प्रसन्न होते हैं और जिस भी व्यक्ति के ऊपर साढ़े साथी और ढैया आता है तो उसका जो दुष्प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। इसलिए शनि की मूर्ति पर तेल चढ़ाना चाहिए। प्राचीन मान्यता के अनुसार हमारे शास्त्रों में बहुत सी कथाएं हैं कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं। इसका विशेष अभिप्राय ये है कि प्राचीन परंपरानुकूल बहुत सी कथाएं हैं, किंतु एक विशेष कथा जो है इसके शास्त्रानुकूल वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक समय शनिदेव जी को अपनी शक्ति के ऊपर, बल पराक्रम के ऊपर बहुत अभिमान हो गया था। तो उस काल में हनुमान जी की कीर्ति जो थी चारों दिशाओं में फैली हुई थी। तो शनिदेव जी से ये बात सहन नहीं हुई और शनिदेव जी हनुमान जी से युद्ध करने के लिए चल पड़े। तो हनुमान जी जहां एक स्थान पर एकांत अपने आराध्य देव राम जी की स्तुति कर रहे थे, वहां जाकर के शनिदेव जी ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। तो हनुमान जी के समझाने पर भी जब वो नहीं माने और युद्ध के लिए ललकारा, तो अंत में हनुमान जी युद्ध के लिए तैयार हो गए और हनुमान जी का शनिदेव जी के साथ बहुत युद्ध हुआ और उस युद्ध में हनुमान जी ने शनिदेव को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। और उस युद्ध में जो हनुमान जी ने शनिदेव के ऊपर प्रहार किए, उससे जो शनिदेव जी को पीड़ा हुई, उस पीड़ा को शांत करने के लिए हनुमान जी ने तेल दिया। तो शनिदेव जी ने अपने शरीर के ऊपर वो तेल लगाया जिससे कि शनिदेव की सारी पीड़ा जो थी वो दूर हो गई। उस समय से ये तेल चढ़ाने की परंपरा जो थी वो प्रारंभ हुई। तो ये शनिदेव जी को तेल चढ़ाने से सारे शरीर की जो पीड़ा जो है वो शांत होती है, घर में सुख समृद्धि होती है, उसके जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। इसमें विशेष बात ध्यान रखने वाली सावधानी ये है कि जब शनिदेव की मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ाना चाहिए तो उस समय उस तेल में किसी पात्र में तेल लेकर के अपना मुंह देख करके भगवान शनिदेव के ऊपर वो तेल जो है वो चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुकूल शनिदेव का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर के नाक, कान, हड्डियां, त्वचा और घुटनों पर इसका विशेष प्रभाव होता है। तो जो शनिदेव की मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ाते हैं और तो इन अंगों पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जब शनिदेव की मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ाएं तो शनिदेव जी का जो बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स सनिश्चराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण जो है वो करना चाहिए। इस ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि होती है और उसे सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जय माता की।